नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो टैलेंट का ट्यूटोरियल नंबर 7 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग जनरल एंट्री को ही हम लोग करने वाले हैं। एक कोई भी स्टेटमेंट दिया गया होगा और उसको आपको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है। ऐसा एक और लेक्चर की ट्यूटोरियल नंबर 5 में हो चुका है, लेकिन उससे हम लोग लेवल अप किए हैं। वो थोड़ा बहुत ही ईजी लेवल का था, उसको थोड़ा हम लोग लेवल अप करके मीडियम लेवल के जनरल एंट्री तक ले आए हैं इस लेक्चर में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर वो वाला आप लेक्चर देखे होंगे तो उसके डिपेंडेंसी पर अगर आज आपका कर लेंगे या हिंदी वाले से कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इससे ऊपर कोई नहीं आता है, उससे ऊपर कोई स्टेटमेंट वाली जनरल एंट्री नहीं आती है। तो ये बहुत ही यूजफुल आप लोग सभी के लिए वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग ये कर लेंगे तो आराम से आप लोग जनरल एंट्री तो सीख ही जाएंगे। चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा कि दोस्त भी देख लें और दोस्त भी इस फ्री फुल कोर्स का टैली की ERP9 के कोर्स का फायदा उठा सकें। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं टैली ERP9 सीरीज में। जैसा कि हम लोग सभी लोग देख रहे हैं, अपने लेवल को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने टैली ट्यूटोरियल 6 में हम लोगों ने क्या देखा है, आपका देखा है हिंदी टू इंग्लिश वर्ड डिक्शनरी, और उससे पहले वाले में इंग्लिश जनरल एंट्री देखी थी। उसके बाद वाला लेक्चर अगर आपको हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी वाला देखना है, जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अकाउंटिंग की डिक्शनरी है, अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो जो हिंदी में भी जनरल एंट्री के लिए दिया गया रहता है स्टेटमेंट, आप उसको भी आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते हैं। हम लोग ने टैली 2025 में अपनी जनरल एंट्री को किया था, आज उससे थोड़ा सा हट के हमारा लेवल है। थोड़ा सा हम लोग ने अपने जो इजी जनरल एंट्रीज थी, जो इजी जनरल एंट्रीज के स्टेटमेंट थे, उसको थोड़ा सा हम लोग ने लेवल अप करने का प्रयास किया है, थोड़ा सा हार्ड करने का प्रयास किया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और परचेज 4000 एंड फर्नीचर 3000। बहुत ही ईजी तरीके से, सरल तरीके से समझाएंगे, आप सभी को समझना होगा। क्या यहाँ पर लिखा है, राजू ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट, यानी बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है आपका व्यापार, व्यापार होता है, बिजनेस क्या होता है आपका, व्यापार होता है। तो जो राजू है उसने व्यापार चालू किया है किसकी मदद से, कैश यानी नकद की मदद से, और परचेस किया है 4000 रुपये का और फर्नीचर का है 3000 रुपये। किस तरह लिखेंगे, अब आपको इसमें देखना है कि आपके पास क्या क्या आया है और आपने क्या क्या दिया है। जैसा कि मैंने बताया था पहले के लेक्चर्स में कि डेबिट में वो लिखाते हैं जो कि आपके पास आते हैं, और टू में क्या लिखाता है, जो आपके पास से जाता है। क्रेडिट में दो चीज़ होता है, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेबिट यानी आपका पैसा आना, क्रेडिट यानी पैसा जाना, लेनदार और देनदार का मतलब होता है, ठीक है। तो राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या आपके पास से क्या क्या गया है वो हम लोग लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, अगर वो वाला था कि अगर इतना केवल आता है राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप लोग क्या लिखते हैं, कैश डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि आपके पास कैश आया है और कैपिटल में इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो आप सब लोग सबसे पहले उसको लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, कैश डेबिट हम लोग लिखेंगे, कैश डेबिट। अब कैश डेबिट यहाँ पर था 7000, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 7000 था, उसको छूट गया है। कैश डेबिट कितना है, 7000, यहाँ पर लिख दीजिए 7000। अब क्या आया है, परचेस भी हुआ है, तो परचेस भी आपके पास ही तो आया है, परचेस डेबिट ही तो हुआ है, तो परचेस डेबिट लिख देंगे, परचेस डेबिट कितने का हुआ है, 4000 का हुआ है, 4000 लिखेंगे। अब क्या है, फर्नीचर भी तो आया है, फर्नीचर भी तो आपके पास ही आया है, कैश दिए हैं तो फर्नीचर आया है, और फर्नीचर आपके पास ही आया है, डेबिट हुआ है, तो फर्नीचर डेबिट क्या लिखेंगे, 3000, ठीक है। अब आपके पास से जितने भी डेबिट वाले सिस्टम थे, यानी जो भी आपके पास आया था वो हम लोग ने लिख लिया है। अब क्या लिख देंगे, टू कैपिटल, ये किसके लिए आया है, आपकी पूंजी के लिए आया है। कैपिटल यानी क्या होता है, पूंजी होता है, बिजनेस आपकी क्या है, आपका कैपिटल ही तो है, पूंजी ही तो है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर जितना भी हम लोग ने डेबिट किया था इन तीनों को जोड़ के आप लिख देंगे, 7000 + 4000 कितना होता है, 11000, 11 + 3 कितना होगा, 14000, यहाँ पर लिख देंगे 14000, सिंपल से।
तो ये आपकी जनरल एंट्री पहली वाली हो गई। दूसरा है परचेस फॉर अरुण, अरुण ने परचेस किया है, तो क्या लिख देंगे? अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास परचेस फॉर अरुण, अरुण के द्वारा परचेस किया गया है, तो अरुण के द्वारा क्या किया गया है, परचेस किया गया है, तो परचेस आपके पास आया है, परचेस डेबिट हुआ है, और किसके पास डेबिट हुआ है, अरुण के पास हुआ है, तो परचेस डेबिट टू अरुण, क्या लिखेंगे, परचेस डेबिट टू अरुण। ये आपका अलग था एंट्री यहां तक, अब ये आपका अलग है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा या अगले वीडियो उस पर बन जाएगा। परचेज डेबिट टू अरुण 6000, 6000 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इसमें बढ़ जाता है, इसमें आपको ये ध्यान देना होगा, डोनेशन टू परचेज फॉर सुमित, जो परचेज डोनेशन होते हैं, परचेज डोनेशन जैसे कि मैंने बताया कि जो खरीद के समय डोनेशन दिए जाते हैं फॉर एनी ट्रस्ट, ट्रस्ट को दिया जा सकता है, किसी कंपनी को दिया जा सकता है, गरीब लोगों के जो संस्था होती है उनको दिया जा सकता है, तो क्या है वो चैरिटी का काम है, क्या किसका काम है, चैरिटी का काम है, तो उसको आप लोग इस तरह लिखेंगे डोनेशन टू परचेज फॉर सुमित, तो चैरिटी डेबिट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझना होगा, मैं लिख देता हूँ चैरिटी डेबिट। अब यहाँ पर परचेज लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर लिख देंगे चैरिटी डेबिट परचेज डेबिट, थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी इस वाले में, फॉर सुमित टू सुमित। अब देखिए यहाँ पर अब मैं समझा दे रहा हूँ, मैंने बताया कि कुछ भी परचेस करते टाइम जो सुमित द्वारा डोनेशन दिया गया उसको यहाँ पर आपको लिखना है, कितना दिया गया है, 1000 रुपये दिया गया है, तो अब उसमें क्या है, डोनेशन भी क्या है, डोनेशन भी डेबिट हुआ है, यानी चैरिटी भी डेबिट हुआ है, परचेस भी डेबिट हुआ है टू सुमित, सुमित द्वारा ये दोनों चीजें की गई हैं, दोनों चीज सुमित द्वारा दी गई हैं, तो उसको आप लोग इस तरह लिख देंगे, तो यहाँ पर सिंपली से लिख देंगे 1000 रुपये, यहाँ पर भी 1000 रुपये, सिंपल से आप लोगों को लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हुआ है जिसको कि मैंने समझा दिया है। चलिए अगले पे आते हैं, सेल्स फॉर मोहन 8000 विद डिस्काउंट 400, चलिए इसको भी देखते हैं। अब क्या हुआ है, सेल्स फॉर मोहन 8000 और जो मोहन को है, क्या है, मोहन को 8000 रुपये का सामान बेचा गया है जिसमें डिस्काउंट अप्लाई किया गया है 400 रुपये का। सिंपल से इसको किस तरह लिखेंगे, मोहन ने सेल्स करवाया है, तो अगर केवल मोहन डेबिट टू सेल्स करते तो 8000 केवल यहाँ तक का स्टेटमेंट लिखा था, क्योंकि सेल्स फॉर मोहन हुआ है 8000 रुपीज का। अब आप लोग क्या करेंगे, मोहन डेबिट टू सेल लिखते केवल अगर इतना स्टेटमेंट रहता तो उसी को आप लोग कॉपी करते चले जाएंगे। अगर हम लोग मोहन डेबिट लिखते, यहाँ पर अगला है मोहन डेबिट लिखते तो डिस्काउंट भी डेबिट हुआ है, तो डिस्काउंट डेबिट लिख दीजिए, डिस्काउंट डेबिट टू सेल, टू सेल। अब आप लोग इसको किस तरह लिखेंगे, मोहन के द्वारा 8000 रुपया दिया गया है, यानी सेल्स मोहन ने करवाया है और डिस्काउंट 400 रुपये का अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे मोहन डेबिट में 8000 रुपये, ठीक है, डिस्काउंट डेबिट में 400 रुपये। अब आप लोग इसको इसमें से घटा देंगे क्योंकि डिस्काउंट किया गया है, तो कितना हो जाएगा 7600, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। अगले पे आते हैं कमीशन रिसीव बैक कैश, तो सिंपली से लिख देंगे कमीशन डेबिट टू कैश, कितने का है कमीशन, कितने का किया गया है, कमीशन डेबिट टू कैश 200 रुपये, इसको मैं समझा देता हूं। अब यहां पर क्यों हमने इस तरह लिखा है, क्योंकि कमीशन यहां पर रिसीव्ड हुआ है, कमीशन आपके पास आया है, डेबिट हुआ है, इसलिए हम लोग ने डेबिट लिख दिया है, बाय कैश टू कैश 200 रुपये, समझ में आ गया होगा। लॉस बाय पोस्ट टू परचेज, यहां पर आप लिखेंगे किस तरह, परचेज, अब आपको एक मैं डिफरेंस समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब भी हम लोग सेल्स वाला लिखते हैं तो टू सेल नीचे ही लिखते हैं, ठीक है, टू सेल ही आता है, सेल डेबिट कभी नहीं होता है, ठीक है, हमेशा परचेज डेबिट होता है, सेल टू में ही आता है और परचेज कभी टू में नहीं आएगा, कभी आप टू में नहीं लिखेंगे, हमेशा डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि परचेज हमेशा आता है और सेल हमेशा क्या होता है, जाता है, क्योंकि अगर आप कोई सेल कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो आपके पास से सामान जा रहा है, कैश आ रहा है, तो वो चीज लिखते हैं, परचेज हमेशा परचेज डेबिट में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग को देखना होगा, क्योंकि परचेज आपके पास आता है,
परचेज आपके पास से जाता नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि जो आपके पास आता है वो डेबिट भी लिखाता है, जो आपके पास से जाता है टू लिखाता है, इसको आप लोग समझ जाएंगे। लॉस बाय पोस्ट टू परचेज, अब क्या लिखेंगे, परचेज, परचेज डेबिट, परचेज हमेशा ऊपर ही लिखेंगे, परचेज डेबिट टू लॉस बाय पोस्ट, लॉस बाय पोस्ट कितना रुपए है, यहाँ पर है आपका 600 रुपये, 600 रुपये, इसको आप लोग देखेंगे। अभी जैसा कि मैंने बताया कि परचेज हमेशा ऊपर रहता है और टू सेल हमेशा नीचे रहता है, लेकिन इस वाले जो हमारा लॉस बाय पोस्ट टू परचेज वाला है, इसमें थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंस होने वाला है, लॉस बाय पोस्ट टू परचेज में थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंस होने वाला है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लॉस बाय पोस्ट डेबिट हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो गया है, तो परचेज। अब आपके पास क्या आया है, जो पोस्ट से हमारा नुकसान हुआ है, जो डाक भेजते हुए नुकसान हुआ है, वो परचेज की वजह से ही तो हुआ है, तो आपके पास क्या आया है, नुकसान ही तो आया है, तो जो आपके पास आया है वो डेबिट है, और जो आपके पास से गया है वो टू परचेज, यहाँ पर टू परचेज इसी तरह लिखा हुआ है, तो टू परचेज जहाँ पर टू दिख जाए आपको वहाँ पर नीचे टू परचेज लिख दीजिए, फिर ऊपर जितना भी बचा है उसको डेबिट में डाल दीजिए, ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। लॉस बाय पोस्ट डेबिट, क्योंकि आपके पास जो नुकसान हुआ है वही तो आपका नुकसान ही तो हुआ है, नुकसान ही तो आपके पास आया है, परचेज आपके पास से गया है, तो क्या लिख देंगे, 6000 रुपये, 600 रुपये मंथ यहाँ पर लिखा हुआ है, 600 रुपये, ठीक है। परचेज ऑन कैरिंग पेड बाय कैश, कैसे पेड किया गया है, कैश से पेड किया गया है, इसमें आप लोग किस तरह लिखेंगे, परचेज ऑन कैरेज पेड बाय कैश, कैरेज पेड, इसको आप लोग हटा दीजिए क्योंकि परचेज वाला ऑप्शन आ गया है, तो इसको पेड हटा दीजिए, ठीक है, तो परचेज डेबिट टू कैश लिख देंगे, क्या लिख देंगे, परचेज डेबिट टू कैश, परचेज हमेशा ऊपर, कैश या सेल नीचे, टू कैश क्या है, 60 रुपये, 60 रुपये, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड बाय कैश है, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, यहाँ पर हो जाएगा स्टेशनरी डेबिट टू कैश, स्टेशनरी डेबिट टू कैश कितना है आपका, 200 रुपये, 200, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, और हम लोग इसको जगह यहाँ पर नीचे नहीं बच रही है, चलिए इसको ऊपर हम लोग फिर से करेंगे। चलिए हम लोगों ने इरेज कर लिया है, हम लोग का स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया था, अब आते हैं ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस पेड बाय कैश पे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, क्योंकि ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस आपके पास जो भी आपके अन्य खर्च हुए हैं वो आपके पास आए हैं, ये ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस, यानी क्या होता है, इसको आप लोग लिखेंगे, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है चुंगी खर्च, क्या होता है, चुंगी खर्च, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है चुंगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऑक्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, चुंगी खर्च, चुंगी खर्च, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश 100 रुपये, क्योंकि ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस जो है वो आपके पास आए हैं, कैश आपके पास से गया है, ठीक है। पोस्ट एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, तो उसी तरह लिख देंगे, पोस्ट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, ठीक है, कितना है आपका, 200 रुपये, ठीक है। अब आप लोग आते हैं सेल्स फॉर सुमित, सेल्स डेबिट टू सुमित, क्योंकि यहां से सेल्स डेबिट, सेल्स फॉर सुमित, सुमित ने सेल करवाया या किया, तो क्या होगा, सेल्स आपके पास आया है, किसके पास आया है, सुमित के पास आया है, तो 8000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे सेल्स आया है सुमित के पास गया है। सैलरी पेड बाय कैश, तो सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी डेबिट टू कैश कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। तो फुली आज का वीडियो आप सभी को समझ में भी आया होगा, और जितना भी आज आप लोगों ने समझाया वो आप सभी ले हैं आसानी से समझ लिया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने उसके बाद डायरेक्ट लेवल अप किया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सभी लोग के लिए सरल होता चला जाएगा, सिंपल होता चला जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं, तो आपने देख लिया कि आप सभी बहुत ही आसानी से किसी भी स्टेटमेंट को जनरल एंट्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लेवल अप वाला था, हाई लेवल वाला था, इसलिए आप सभी अगर कर लिए होंगे तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इससे अधिक जनरल एंट्री नहीं आएगी स्टेटमेंट वाली, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले वीडियो मिलेंगे अगले नए टेली ट्यूटोरियल के साथ या अगले नए टेक रिलेटेड वीडियो के साथ, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि दोस्त भी इसका फायदा उठा सके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।